इसराइल हमास युद्ध में गाजा के साथ खड़े ईरान समर्थित हिज़बुल्लाह के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर इजरायली सेना लेबनान के भीतर हिज़बुल्लाह के ठिकानों पर हमले करती है तो उधर हिज़बुल्लाह आईडीएफ पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें बरसा देता है। दरअसल हिज़बुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में हमले बंद नहीं करता तब तक वो अपने अटैक जारी रखेगा। और अब इसी कड़ी में हिज़बुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायली फोर्सेस पर एक ही बार में लगातार 3 अटैक किए हैं। ये हमले सिर्फ 5-5 मिनट के गैप के दौरान हुए। इनमें से सबसे पहला हमला हुनिन और कफार चौबा हिल्स में हुआ है। यहाँ पर हिज़बुल्लाह ने एक ही बार में 2 हमले किए हैं। हिज़बुल्लाह ने पहले ऑपरेशन में हुनिन कासल पर हमला किया है जो इजरायली सेना का एक अहम ठिकाना था। हिज़बुल्लाह का दावा है कि उसने इस हमले में इजरायली सेना को सीधा नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरे हमले में हिज़बुल्लाह के लड़ाकों ने रोशेताल आलम मिलिट्री साइट पर हमला किया है। ये जगह पहले हमले वाली जगह से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस हमले के सिर्फ 5 मिनट बाद ही हिज़बुल्लाह ने शेबा फार्म्स में जिबदीन मिलिट्री साइट पर हमला कर दिया। और इस हमले के बाद 20 मार्च 2024 की शाम को हिज़बुल्लाह ने अलमर्ज मिलिट्री साइट पर गोला बारूद दागना शुरू कर दिया। ये इलाका हुनिन कासल से उत्तर में स्थित है। बड़ी बात यह है कि 8 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से ही हिज़बुल्लाह इस जगह पर गोला बारूद दाग रहा है। आपको बता दें कि हिज़बुल्लाह के हमलों के जवाब में आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान की अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं और इन हमलों के जवाब में हिज़बुल्लाह के लड़ाकों ने इसी दिन 25 मिनट बाद 2 अलग अलग हमले किए। पहला हमला रात करीब 10:05 पर हुआ। यह हमला मेतुला सेटलमेंट पर किया गया जहां पर इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी और इसके 25 मिनट बाद ही 10:30 पर हिज़बुल्लाह के लड़ाकों ने अवीवम सेटलमेंट में एक इमारत पर रॉकेट और गोला बारूद दाग दिया। हिज़बुल्लाह का कहना है कि इस बिल्डिंग में इजरायली सेना के जवान मौजूद थे। और इस हमले के बाद एक मिलिट्री मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजरायली सैनिकों का एक जत्था जो अल-बगदादी सैन्य अड्डे की तरफ बढ़ रहा था तभी हिज़बुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया। और इसको लेकर अल-मयादीन न्यूज एजेंसी का कहना है कि इजरायली मिलिट्री कमांड इन सैन्य अड्डों को दोबारा मजबूत करने में लगी हुई है। वो यहाँ पर जरूरी हथियार और जासूसी उपकरण लगा रही है। लेकिन 19 मार्च 2024 को हिज़बुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ की लॉजिस्टिक टीम पर हमला किया था जिससे उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई।